लवलीज़, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वंस अगेन दिस में श्रुति विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू फॉर यू ऑल। लेकर आई हूँ एक और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आप सबके लिए, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से जान सके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने लेना है या नहीं लेना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इफ यू हैव विजिटेड दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए और आप लोग बेहतर तरीके से जान पाएं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है और कौन सा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना। इस चैनल पर अगर आप बने रहे तो डेफिनेटली आपको अपने फेवरेट प्रोडक्ट तो मिलने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं ढेर सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ जिन्हें आपको सिर्फ नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना है एंड यू कुड सी द डिफरेंस इन योर स्किन योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में एक फेस क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम रिजल्ट देने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पे भी मिल जाती है। तो बात करते हैं आज के प्रोडक्ट की, जो कि है ये पर्टिकुलर फेस क्रीम। दिस फेस क्रीम इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा। ये है फेसेस कैनेडा की अर्बन ग्लो डे ब्राइटनिंग क्रीम, अर्बन ग्लो स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम विच रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड प्रिजर्व स्किन यूथ। तो यानी कि आपके स्किन से दाग धब्बों को भी हटाएगी, आपकी जो यूथफुलनेस है उसको भी मेंटेन रखेगी, साथ ही साथ आपको SPF 20 भी प्रोवाइड करती है एंड इट इज़ हैविंग UV फिल्टर्स ऑल्सो। तो यानी कि सारी खूबियाँ आपको इस फेस क्रीम में मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको अलग से सनस्क्रीन परचेज करने की टेंशन नहीं रखनी है, साथ ही साथ आपको एक एंटी एजिंग क्रीम भी मिल रही है। यानी कि इन ऑल ये क्रीम जो है आपकी फुल टोटल स्किन केयर करने वाली है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए इंस्पाइट कि वो आपकी स्किन पर बहुत अच्छी तरह से काम करें, और वो मैं आपको बताऊंगी क्या ये सही तरीके से काम करती है कि नहीं करती। इसकी आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग तो आप देख ही चुके हैं, इस तरह की है जो कि ब्यूटीफुल सिल्वर एंड लैवेंडर कलर में है, टोटली ब्यूटीफुल लगती है देखने में। ऑन द टॉप यहाँ पे आप F देख सकते हैं विच इज द साइन ऑफ दिस फेसेस कैनेडा ब्रांड, तो उन्होंने अपने ब्रांड का यहाँ पे लोगो मेंशन किया गया है और ये है सिंपल सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग। कमिंग टू द एक्चुअल बॉटल, एक्चुअल मैजिकल प्रोडक्ट, तो वो है ये बॉटल जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे तो। एटलीस्ट इसका सिल्वर टॉप है, सिल्वर कलर का कैप है, एंड द लोअर बॉटल इज अ ग्लास बॉटल। ये जो टब है ये ग्लास टब है विच इज़ एन ब्यूटीफुल लैवेंडर कलर, और जो इसका एक्चुअल कलर है क्रीम का दैट इज टोटली वाइट। आप देख सकते हैं टोटली वाइट है इसका कलर, और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने इस क्रीम को कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है। एज आई एम ड्राई स्किन, सबसे पहले तो इसका एक ग्रेट पॉइंट बता दूँ कि एज आई एम ड्राई स्किन पर्सन, तो अपने स्किन पर एक नेचुरल ग्लो, एक चमक, एक शाइन मुझे पसंद आती है, स्पेशली इन विंटर्स या फिर कुछ भी सीज़न कह लीजिए, क्योंकि गर्मियों में या फिर स्पेशली इन मानसून सीज़न, गर्मियों से भी ज़्यादा आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि मानसून सीज़न में स्वेटिंग होती है। तो आई वॉन्ट से कि मानसून सीज़न में मुझे ग्लो पसंद आता है वो स्वेट वाला, बट रेस्ट ड्यूरिंग द होल ईयर एक्सेप्ट वन और टू मंथ्स आई लाइक ग्लो ऑन माई स्किन। मुझे वो ल्यूमिनोसिटी, वो ल्यूमिनस इफेक्ट, वो विद इन काइंड ऑफ ग्लो पसंद आता है, और कई सारे मित्र लोगों के जिन्हें वो ग्लो विदाउट हाईलाइटर ग्लो, इन साइड ग्लो, विद इन काइंड ऑफ ग्लो वो पसंद आता होगा। तो दिस इज अ क्रीम जो आपकी स्किन में डेफिनेटली उस टाइप का ग्लो लाने वाली है, आपको आर्टिफिशियल हाईलाइटर या इल्यूमिनेटर्स की बिल्कुल भी नीड नहीं आने वाली इफ़ यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर क्रीम, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हैं दोज आर क्रैनबेरी सीड ऑयल एंड गूसबेरी। ये दोनों जो है एक्सट्रैक्ट, दीज आर लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट्स, दीज वर्क ऑन एजिंग प्रॉब्लम्स, दीज वर्क ऑन एजिंग साइंस, दीज वर्क ऑन योर फेस स्किन टेक्स्चर, स्किन कलर, यानी कि ओवरऑल आपकी हर एक स्किन की प्रॉब्लम पर काम करती है। साथ ही साथ आपको इसमें जो यूवी प्रोटेक्शन है वो मिली रही है, दैट इज SPF 20 आपको मिलता है विच इज ग्रेट ग्रेट स्पेक्ट्रम ऑल्सो। तो अगर आप दिन में है या इवनिंग में तो SPF 20 तो क्वाइट सफिशिएंट रहता है। जी हाँ, अगर आप नून के टाइम पे बाहर जाए तो तब आपको एडिशनल SPF यूज़ करने की नीड पड़ सकती है, बट अदरवाइज दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो आपके जो स्पॉट्स हैं, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं कहीं पर, जो कि डेफिनेटली होते ही होते हैं, कई लकी पर्सन होते हैं जिनकी स्किन पर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता, अदरवाइज हर एक स्किन पर चाहे एक चाहे दो बट दाग धब्बा कोई ना कोई स्पॉट तो होता ही होता है। तो अगर वो दाग धब्बों पर आपने काम करना है तो आपको ये क्रीम यूज़ करनी है। अगर आपको सनस्क्रीन से छुटकारा पाना है तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपनी यूथफुलनेस को मेंटेन रखना है तो आपको ये क्रीम यूज़ करनी है। ऑल इन ऑल यू कैन से दिस क्रीम गिव्स अ फुल क्लियर केयर टू योर स्किन। बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इस पर्टिकुलर क्रीम की जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ टोटली माइल्ड, नॉट ओवर पावरिंग, ऐसा नहीं है कि बॉदर करेगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। और
बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट गिव्स अ नॉर्मल हेल्दी फ्रेग्रेंस जो कहते हैं, वैसी फ्रेग्रेंस देती है ये क्रीम। मोर ओवर इस क्रीम का जो वो पसंद जो मुझे आता है, लगाते ही इंस्टेंटली योर स्किन फील्स इमीडिएटली बूस्ट अप। पता ऐसा लगता है कुछ आपने बूस्टर फीड कर दिया अपनी स्किन में, आपकी वो अपलिफ्टमेंट, वो जो यूथफुलनेस है ना, वो मेंटेन लगती है आपकी स्किन में आफ्टर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर क्रीम। मे बी ये क्रीम जो है मॉनसून वेदर में इतना ज़्यादा सूट ना करे, बट एक्सेप्ट दैट इन विंटर्स, इन समर्स, यू कुड डेफिनेटली गो विद दिस पर्टिकुलर क्रीम। सो इफ anybody will ask me personally कि क्या आप इस क्रीम को repurchase करेंगे, तो definitely 110% मैं इस क्रीम को repurchase करूँगी, because it has given me great results। आपकी स्किन की शाइन, आपकी स्किन के दाग धब्बे, आपकी एजिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्किन का जो टेक्स्चर है, आपकी स्किन का जो टोन है, आपकी स्किन का जो कलर है, उन सब पे ये काम करती है। सो इट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, और अगर इसका प्राइस इतना रखा गया है, इट्स क्वाइट वर्थ। वरना आप भी मानते होंगे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्केट में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट दे वर्क सो सो, मतलब कि वो नॉर्मली काम करते हैं और ऐसा लगता है कि यार इतना काम तो वो वाली क्रीम भी कर सकती थी, हमने ऐसे फालतू में पैसे स्पेंड किए। बट अगर आप इस क्रीम पे स्पेंड करते हैं, यू विल डेफिनेटली फील ग्रेट कि आपने इन्वेस्ट अगर किया है तो बिल्कुल सही जगह पर किया है। You have got a great product in your life. तो definitely कईयों का favorite हो सकता है, as this is now one of my top favorites. जब से मैंने इसको use करना start किया, I am very much happy after using this particular cream. आप लोग भी इसको ले सकते हैं, use कर सकते हैं। अगर आपका oily skin है तो इस cream को मत लीजिएगा, क्योंकि at present शायद ये आप लोगों के लिए सही काम ना करे, but combination of dry skin वाले तो इसको summers में भी use कर सकते हैं। जो oily skin वाले हैं, they have to wait till winters come again। आप सर्दियों तक का वेट करिए और फिर अपनी स्किन पर मैजिक देखिए इस पर्टिकुलर क्रीम का। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट, आज का रिव्यू, आज का एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डेफिनेटली फेवरेट हो सकता है, आपका एक लव प्रोडक्ट हो सकता है, मस्ट हैव प्रोडक्ट हो सकता है इन योर वैनिटी टिल यू स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।